दोस्तों नमस्कार, और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ चार्ट मास्टर में। तो आज की इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है ऑप्शंस में स्कैल्पिंग। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद साबित होने वाली है। तो मेक श्योर कि वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं या फिर आप फॉरेक्स कर रहे हैं या क्रिप्टो कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है और मिलता रहता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है। यहाँ पर आपको सारा का सारा कंटेंट जो है वो रियल मिलेगा, बढ़िया एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी वीडियोज हैं वो आपको मिलती रहेंगी। और एक चीज का और ध्यान रखें कि बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पर भी सेट कर दें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उस वीडियो का आनंद उठा सके, आपको कुछ सीखने को मिल सके। तो आज की ये जो वीडियो है आप देख रहे होंगे, ये निफ्टी 50 इंडेक्स का चार्ट है और ये अभी लाइव चल रहा है। देखिए अभी प्राइस 19,785 और आज 16 नवंबर है, निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है आज। तो एक्सपायरी के दिन आप सभी को पता है कि बड़े बड़े मूव आते हैं, चाहे वो डाउन ट्रेंड का हो या फिर अप ट्रेंड का हो। तो मैंने क्या किया, मैंने एक कॉल बाई की, यहाँ पर कहीं मैंने कॉल बाई की और ये देखिए ये 9:15 कैंडल है, ये एकदम से रेड नीचे सुबह पहली कैंडल, और धीरे धीरे इसने ब्रेकआउट दिया। ठीक है, ब्रेकआउट दिया ये प्रीवियस डे के हाई का। यहाँ पर मैं एंट्री नहीं ले पाया क्योंकि मैं आज थोड़ा लेट हो गया था। तो जब मैं पहुंचा तो प्राइस यहाँ पर था, लगभग मैं 10:30 के आसपास पहुंचा, यहाँ पर कहीं प्राइस था या यहाँ पर आप बोल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे कहीं एंट्री बना ली थी और मैंने जो कॉल बाई की थी वो भी आपको दिखाता हूँ, कौन सी कॉल बाई की थी। अभी जो करंट प्राइस चल रहा है उस कॉल का 63 चल रहा है, और ये जो हाईएस्ट गई है ये गई है 79 के आसपास, और मैंने जब इसको बाई किया था तो 18.30 के आसपास इसको बाई किया था। ठीक है, तो उस समय प्राइस चल रहा था 19,720, निफ्टी का जो प्राइस चल रहा था 19,720, ये देखिए यहाँ पे मार्किंग की हुई है मैंने 19,720, है ना। तो 19,720 पे मैंने एंट्री की थी और लगभग 18.30 के प्राइस पर मैंने एंट्री की थी। और अगर मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाऊं तो मैंने 200 क्वांटिटी का ट्रेड था, 4 लॉट का ट्रेड था। तो 200 × हम करते हैं 18.30, तो इतना फंड मैंने लगा था यहाँ पे। ठीक है, इतना पैसा 3,660 के 4 लॉट बाय किए थे, और जो प्रॉफिट हुआ है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर पोजिशंस में ये देखिए, और 4,180 का प्रॉफिट। ठीक है, अब ये यहाँ पे क्वांटिटी 350 दिखा रहा है, ये मुझे नहीं पता ये कैसे दिखा रहा है, मैं आपको लाइव ट्रेड पे दिखाऊंगा। क्वांटिटी 200 थी, ये धन का अकाउंट है, मेरी समझ से बाहर है कि ये 350 इसने कैसे दिखा दिया। ठीक है, ये 4,180 का मुझे प्रॉफिट हुआ है, 3,660 का ट्रेड था और लगभग डबल से भी ज्यादा यहाँ पे मुझे प्रॉफिट हुआ है। अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा, जो मैंने लाइव ट्रेड लिया था वो भी मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा, किस तरह से, किस बेस पे मैंने लिया था, यानी कौन सी स्ट्रेटजी थी। तो वीडियो आपको पूरा देखना है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में एक बढ़िया सा कमेंट छोड़ दें कि आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला है, ताकि जो ये वीडियो है ये बूस्ट हो सके। यूट्यूब का जो एल्गोरिदम है वो है कि लाइक और कमेंट अगर ज्यादा से ज्यादा होंगे तो वीडियो जो है वो एकदम से बूस्ट हो जाती है, तो थोड़ा सा चैनल को हमारे भी ग्रो करने में हेल्प मिलेगी। तो ये आपकी एक छोटी सी हेल्प चाहिए, लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ें कि आपको इस वीडियो से जो सीखने को मिला वो क्या मिला है। अभी तक आप अगर ट्रेडिंग करते थे तो किस तरह से स्कैल्पिंग या ट्रेडिंग करते थे वो आप कमेंट में लिख सकते हैं, या नेक्स्ट आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। मैक्सिमम मेरी जो कोशिश रहती है वो ये रहती है कि ट्रेड एक ही हो और बढ़िया हो, है ना। मैं चाहूँ तो छोटी छोटी स्कैल्पिंग भी कर सकता हूँ, लेकिन स्कैल्पिंग में क्या होता है देखिए मैं आपको बताता हूँ। स्कैल्पिंग में ट्रैपिंग आजकल बहुत होने लगी है ना, ट्रैपिंग बहुत होने लगी। देखिए यहाँ पे ये ब्रेकआउट हुआ, ये हालांकि प्रीमियम का चार्ट है, रेड कैंडल बन गई है ना। तो मैं आपको दिखाता हूँ लाइव चार्ट पर भी कि किस तरह से ब्रेकआउट के बाद भी प्राइस एकदम से नीचे की तरफ फॉल हो जाता है। ये देखिए, ये इस वाले हाई का ब्रेकआउट यहाँ पर हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ और प्राइस एकदम से फॉल हो गया। और इतना फॉल होने का मतलब आपको पता है कि फिर प्रीमियम तो बहुत बुरी तरीके से गिरता है ना। एक ही रेड कैंडल में बहुत ज्यादा प्राइस गिर जाते हैं प्रीमियम के, और एसएल वगैरह आपका हिट हो जाता है। तो ये जो ट्रेड मैंने लिया है, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये किस बेस पे लिया है। तो यहाँ पर प्राइस था, मैंने सबसे पहले आते ही किया चार्ट को 1 आवर पर, मैंने देखा एक बहुत बढ़िया सी कैंडल बनी हुई है, ये वाली कैंडल थी, उसके बाद ये कैंडल चल रही है ना। तो मैंने जो ट्रेड लिया वो इस बेस पर लिया कि इस कैंडल ने ये जो यहाँ तक के रेजिस्टेंस थे ये सब तो इसने ब्रेक कर दिए हैं, ये वाले रेजिस्टेंस है ना, ये वाले रेजिस्टेंस तो इसने ब्रेक कर दिए। ये कैंडल देखिए ऊपर है, इससे
थोड़ा सा अगर आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, है ना। ये वाला जोन था ये रेजिस्टेंस का, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला, इसने इसको ब्रेक कर दिया। ये कैंडल ऑलरेडी ब्रेक हो चुकी थी, 1720 पे प्राइस था, यहाँ पर कहीं प्राइस था। मैंने जो देखा वो ये देखा कि प्राइस एक तो अप ट्रेंड में है, देखिए प्राइस यहाँ से अप ट्रेंड में है, और मेरा जो मैं जो टारगेट देख रहा था वो ये वाला देख रहा था कि प्राइस कम से कम यहाँ तो जाएगा, यहाँ पे जाके रेजिस्टेंस मिलेगा, अगर मिलेगा तो, है ना, वो बाद की बात है कि यहाँ से ब्रेकआउट कर दे वो बाद की बात है। तो मेरा जो टारगेट था वो ये था कि यहाँ तक तो प्राइस जाने की कोशिश करेगा, और आज जब सुबह 10:30 बजे में आया तो मेरे पास टाइम बहुत था, 3:30 बजे तक मार्केट खुलती है, समय बहुत था, तो मैंने बेझिझक यहाँ पर ट्रेड लिया कॉल का। कॉल मैंने बाई की 19750 की, प्राइस चल रहा था 19720, है ना। तो अब मैं आपको लाइव ट्रेड पर दिखाता हूँ कि किस तरह से मैंने कहां पर बाय किया और वो ट्रेड किस तरीके से चला। देखिए ये ट्रेड 200 क्वांटिटी का है, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि धन में 350 दिखा रहा है, मेरी समझ से बाहर क्यों दिखा रहा है, और मैंने इसका टारगेट लगा दिया था यहां पर 40 रुपए के आसपास मैंने टारगेट लगा दिया था, क्योंकि मुझे पता है कि 19750 की कॉल है, प्राइस चल रहा है 19720, एक झटके में 19750 पहुंचेगा, और जब प्राइस वहां तक पहुंच जाता है जो हमने प्रीमियम लिया हुआ है ना, मान लीजिए 19750 लिया हुआ है और 19750 प्राइस पहुंच जाता है, तो प्रीमियम का प्राइस 50 रुपए के आसपास आराम से होता है, ठीक है। तो ये मैंने ट्रेड लिया था और 40 का मैंने लगा दिया था टारगेट, एसएल मैंने यहाँ पे लगाया नहीं। अभी देखिए 3600 का ट्रेड है और 1000 रुपए के आसपास लॉस में भी चल रहा है। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको ये भी सीखने को मिलेगा कि आपका माइंडसेट, अगर आपका माइंडसेट स्ट्रांग है तो फिर आपको ट्रेड, आपका टारगेट हिट होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने लिमिट लगाई 10 रुपए की और मैंने एक ऑर्डर और लगा दिया यहाँ पे, देखिए एक लॉट 50 क्वांटिटी, एक ऑर्डर और लगा दिया, ना कि मैंने ऐसे लगाया, क्योंकि मुझे यहाँ पे पूरा कॉन्फिडेंस था, मुझे पूरा आभास हो चुका था कि मार्केट जाएगी तो ऊपर ही, और 19750 को आज पूरे दिन में टच तो जरूर करेगी। तो ये अगर यहाँ तक भी जाता ना, मैं इसको यहाँ तक भी रखता, मैं इस ट्रेड को आज छोड़ने वाला नहीं था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे ये बाय ऑर्डर लगा दिया मैंने, लॉस देखिए 980-1000 लॉस चल रहा है 3500-3600 के ट्रेड में। तो अगर इतने कम पैसे के ट्रेड में इतना बड़ा लॉस, तो अच्छे से अच्छा इंसान जो है ना, अच्छे अच्छे जो ट्रेडर है, जो ट्रेडिंग सीख रहा है या कोई भी बंदा है, वो एग्जिट कर लेगा, भैया इतना लॉस मैं नहीं ले सकता, क्योंकि जो आपकी कैपिटल है वो 3600 से अगर आप 1000 के लॉस में सीधा 26 हो जाएगी, अगले दिन फिर आप 1000 का लॉस लोगे वो 1600 बचेगी, फिर आपके पास जो है आप प्रीमियम बाय करने का पैसा आपके पास फिर नहीं रहेगा, है ना, फिर बाय ही नहीं कर सकते। अगर आप बाय करेंगे भी तो आउट ऑफ द मनी का होगा, जो कि आपको पता है कितनी तेजी से गिरता है, तो वो सब तो नहीं करना है। आप ट्रेड जब ही लें जब आप बहुत कॉन्फिडेंट हैं, जब आपको पता है कि हाँ ये ट्रेड ऊपर जा सकता है या नीचे जा सकता है, तभी आप वो ट्रेड लें। ऐसे आप तुक्के मत मारना, है ना। ये मैंने तो एक एनालिसिस किया था कि हाँ प्राइस आज ऊपर जा ही सकता है, तो थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस था और थोड़ा सा मैं स्ट्रांग भी हो चुका हूँ एसएल वगैरह को लेकर। तो आप ये गलती मत करना, आप अगर ट्रेड लें तो एसएल लगा कर लेना, है ना। तो ये तो मैं केवल आपको सिखाने के लिए कि आप किस तरीके से एक बड़ा ट्रेड पकड़ सकते हैं, है ना, किस तरीके से बड़ा टारगेट आप पकड़ सकते हैं। स्कैल्पिंग अगर मुझे करनी होती तो मैं छोटे से ट्रेड पे यहाँ पे कहीं निकल जाता, 24-25 जाता प्राइस या 30 जाता तो मैं उस पर निकल जाता, वो स्कैल्पिंग हो जाती। लेकिन ये एक बड़ा ट्रेड है, सीधा 18 से और 40, ये एक बड़ा ट्रेड है। तो अभी देखिए यहाँ पर लगभग 9 प्रॉफिट 9 लॉस पर आ चुका हूँ, एक बार तो कैंडल गई भी थी, है ना। अब बहुत से लोगों का दिमाग क्या करता है कि भैया इतने लॉस से यहाँ पहुँच गए तो एग्जिट हो जा, तो वो लोग एग्जिट हो जाते हैं, फिर बाद में पता चलता है अरे भैया ये तो बहुत ऊपर चला गया, शायद मैं एंट्री बना के रखता तो मुझे प्रॉफिट हो जाता। तो मैंने यहाँ पे एग्जिट होने की गलती भी नहीं की, माइंडसेट जो है वो पूरा रेडी था, बढ़िया तरीके से स्ट्रांग माइंडसेट बना के रखा हुआ था, और मेरा जो टारगेट था बस ये था, यहाँ से पहले मैं नहीं उठूंगा चाहे आज पूरा दिन लग जाए। ये बाइंग ऑर्डर जो है वो मेरा हिट नहीं हुआ, हालांकि एक बार अभी और नीचे आएगा प्राइस, लेकिन बाइंग ऑर्डर हिट नहीं होगा। बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ है, अगर 10 रुपये तक जाता तो ये 250 क्वांटिटी हो जाती, और फिर अगर ऊपर जाता तो बढ़िया प्रॉफिट होता, है ना। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, एक लॉट यहाँ पे खरीदा, 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 अगर आप अपने ट्रेड को लेकर कॉन्फिडेंट है तब। लेकिन कभी कभी ट्रैप भी हो जाता है, ट्रैपिंग भी चलती है, तो आप एक अपना लॉस वहाँ पर तय रखें कि हाँ इससे ज़्यादा लॉस मुझे नहीं लेना है, और आप ट्रेड ले सकते हैं, स्टॉप लॉस आप ज़रूर लगाएं। अब देखिए यहाँ पर ये फिर से 850-1000 की रेंज में नीचे चला गया। ये मैंने वीडियो ना फास्ट फॉरवर्ड की हुई है ताकि जो समय है वो थोड़ा कम लगे। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव आने वाला है, ये जो आप देख रहे हो ना ये प्रीमियम का मूव, ये सिंगल कैंडल सीधी, ये देखो 14 रुपये से सीधी गई 52, कितना बड़ा मूव है ये, कितना बड़ा मूव है। और हमारा टारगेट था 40, यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। अब मैं अगर यहाँ 50-60 या 70 रुपये भी टारगेट लगाता तो भी हिट हो जाता, लेकिन उतना बड़ा टारगेट
नहीं चाहिए था, जितना चाहिए था मैंने उतना लगा दिया और उसके बाद मैंने ट्रेड भी नहीं लिया। तो अभी देखिए 500-600 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है और बहुत बड़ी स्पाइक थी, बहुत बड़ी स्पाइक थी। क्योंकि जब आप अगर 19,750 की कॉल आपने खरीदी हुई है, प्राइस 19,720 चल रहा है और एकदम से अगर प्राइस 19,740 या 50 चला जाए तो प्रीमियम आपका एकदम से रॉकेट की तरह भागता है ना। तो वो चीज़ मैंने आज यहाँ पे की कि अगर पहले से दिमाग में थी कि अगर प्राइस जो जाता है 19,750 जाता है तो प्रीमियम हमारा 40-50 रुपये बड़ी आसानी से जाएगा, इसीलिए मैंने यहाँ पे 40 का टारगेट लगाया हुआ था। देखिए फिर से फॉल आ गया। तो इतनी देर में जो है वो कोई भी ट्रेडर हो, मैक्सिमम लोगों के साथ यही होता है, बिगनर्स के साथ ज़्यादातर यही होता है कि वो होपलेस होके एग्जिट हो जाते हैं कि अभी तो इतना ही हो रहा है, क्या पता और ज़्यादा लॉस हो जाए, तो वो लोग एग्जिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस लेवल आपका चेक किया जाता है और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं वो इतने में एग्जिट हो जाते हैं, बड़े ट्रेडर्स बने रहते हैं। हालांकि मैं अब कोई बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, छोटा ही ट्रेडर हूँ, तभी तो 3,600 का ट्रेड लिया हुआ है, लेकिन मैं आपको बस केवल ट्रेडिंग स्किल बता रहा हूँ कि इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे 980-1,000 पहुँच गया फिर से दोबारा। आपका जो पेशेंस लेवल है वो बढ़िया तरीके से टेस्ट होता है यहाँ पर ऑप्शंस में। अब देखिए ये आई वो कैंडल, वाह 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 वाह, ये थी वो कैंडल। देखो अब 2,000 रुपये का प्रॉफिट, ये देखिए हमारा टारगेट लगा हुआ है 40, बाय ऑर्डर तो हमारा हिट ही नहीं हुआ। ठीक है ये देखिए कितनी बढ़िया, और ये टारगेट हिट खत्म। ये देखो अब ये वो वाला ट्रेड है, देखो ये वो कैंडल है, निफ्टी 50 की कैंडल है। इस एक कैंडल की वजह से हमारा ट्रेड हिट हो गया, दिख रहे हैं आप। मैं आपको एक बार लाइव चार्ट पे भी दिखाता हूँ, ये देखो ये वाली वो कैंडल थी, ये देखो ये वाली वो कैंडल थी, ये वाली कैंडल, एक सिंगल कैंडल ने हमारा टारगेट हिट कर दिया। अगर मैं चाहता तो इस ट्रेड को थोड़ा और खींच सकता था, क्योंकि एक बहुत बड़ी बिग बार बनी है, उसके बाद दो कैंडल तो बननी बननी थी, दो नहीं तो एक कैंडल तो बननी ही बननी थी। मैं चाहता तो इसको और थोड़ा खींच सकता था, लेकिन मुझे मेरा टारगेट मिल गया, उससे ज़्यादा अब मुझे इसमें फालतू की लकड़ी नहीं करनी है। ट्रेड क्लोज और अपना दिन भी क्लोज। अब ये देखिए यहाँ पर पोजीशन अपनी, मैंने यहाँ पे 200 क्वांटिटी का ट्रेड लिया था, ये यहाँ पे 350 दिखा रहा है, समझ से बाहर है। 4,180 का प्रॉफिट, 3,660 का ट्रेड था, तो लगभग डबल से भी ज़्यादा यहाँ पर अपना पैसा हो गया आज और अपना ट्रेड क्लोज। तो इस तरीके से आप लोग भी बढ़िया ट्रेड ढूंढ सकते हैं, ब्रेकआउट पॉइंट ढूंढ सकते हैं, और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाकर, थोड़ा सा पेशेंस रखकर बढ़िया से बढ़िया ट्रेड पकड़ सकते हैं। अब देखिए स्कैल्पिंग में क्या होता है, स्कैल्पिंग में मैं आपको बताता हूँ कि जब यहाँ से यहाँ ये कैंडल का ब्रेकआउट हो गया, फिर यहाँ पर स्कैल्पर एंटर करते हैं और यहाँ से बहुत से यहाँ पर निकल जाते हैं और बहुत से यहाँ पर निकल जाते हैं, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा ट्रेड पकड़ पाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं होता जो पूरे ट्रेड को कैप्चर करे। मैं इसी कैंडल पे निकल गया, अब जो स्कैल्पिंग करते हैं वो इस कैंडल के बाद यहाँ पर एंट्री करेंगे और वो इस मोमेंट को पकड़ सकते हैं, ये पूरा मोमेंट भी कोई नहीं पकड़ पाएगा। यहाँ से यहाँ कैंडल गई, बस एक में स्कैल्पिंग वाले एग्जिट हो जाते हैं, एक में ही एग्जिट हो जाते हैं। हल्की सी स्कैल्प होती है एग्जिट, और स्कैल्पिंग का मतलब ही वही है कि आपको बस अगर एक स्पाइक लगे आपको एग्जिट हो जाना है, अगर आप वेट करेंगे तो आप लॉस में भी जा सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड, अगर थोड़ा सा लॉन्ग ट्रेड पकड़ेंगे तो फिर आपको इस तरह का प्रॉफिट आपको देखने को मिल सकता है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना अगर आपको इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सीखनी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या सीखने को आपको मिला है, वो भी आप बताना, और आप किस तरह से ट्रेड करते हैं वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।